सांस्कृतिक तौर पर भारत एक बहुत पावन भूमि है। यदि उत्तर काशी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यात्रा के चार धाम हैं, तो दक्षिण में तिरुपति, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी प्रमुख आराधना स्थल है। इन सब के साथ साथ कीजिए चेन्नई, केरला, गोवा और मुंबई की यात्रा। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया कॉल करें 5949-8703, 5949-8703 या तो 5751-8381, 5751-8381। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन बहुत छोटा है, इसे मत गवाइए। भारत की पावन भूमि केदारनाथ, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, वाराणसी, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा कर अपना जीवन सफल कीजिए। अगली यात्रा बहुत जल्द। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया इन नंबरों पर कॉल करें 5949-8703, 5949-8703 या तो 5751-8381, 5751-8381। उत्तराखंड का तीसरा महत्वपूर्ण तीर्थ केदारनाथ है, जिसकी समस्त भारत के प्रमुख तीर्थों में गणना है और वहां पर जाने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और इसमें कई दिन भी लग जाते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा करने के बाद अगली सुबह केदार धाम की यात्रा की तैयारी शुरू। विकासखंड थौलधार और कंडीसौर में सुबह के समय काफी चहल पहल थी, धूप खिली हुई थी और पक्षियों की चरचराहट भी सुनाई दी। रास्ते पर कई ढाबे पाए जाते हैं और हमने नाश्ता करने का लाभ उठाया। नाश्ते में समोसे, पकोड़े, पराठे और स्वादिष्ट मिठाइयाँ जैसी जलेबी, रसगुल्ला और लड्डू थी, साथ साथ गर्मा गर्म चाय। नाश्ते के बाद हम केदारनाथ की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं।
मौसम काफी सुहाना है। पहाड़ियों के मध्य में नदी और ऊंचे ऊंचे पेड़ और इन पहाड़ों से सटे छोटे छोटे मकान और छोटी छोटी दुकानें नजर आती हैं। बादलों से लिपटी पहाड़ का सौंदर्य बेहद मनमोहक है। कुछ घंटों तक सफर करने के बाद हम भोजन करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और यहाँ पर हमने एक दूल्हे से मुलाकात की जिसका नाम प्यारे लाल है। दूल्हे का पारंपरिक पोशाक, गले में पैसों का हार और सिर पर पगड़ी, ये सभी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ और घनसाली मेरी बरात जा रही है जी। और आपकी शादी होने वाली है? होने वाली है, अभी बरात जा रही है। और आपने ये जो हार पहना है, क्या आपके गांव का रिवाज है? हमारे गांव का रिवाज है, परंपरा है हमारी, ये गढ़वाली परंपरा है, गढ़वाली रिवाज है, एक परंपरा भी है हमारे यहाँ। यहाँ से भी लगा लो कि 25-30 किलोमीटर आगे जाएगी बारात मेरी। भाई बहन सारे लोग जाते हैं, इसके लिए डीजे में कर हम बारात लेके वहाँ पे जाएंगे, दुल्हन के यहाँ पे जाएंगे, अच्छे गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, दुल्हन के लेके घर चले जाएंगे अपना। और शादी के बाद इस हार का आप क्या करेंगे? हमारे ये सहेलियाँ लोग ले जाती हैं, जो दुल्हन भाई लोग हो जाते हैं, कोई काम आ जाते, कोई अपना से बड़ा है, उनको वो कर देते हैं हम इसका। आपकी शादी का वो शुभ मुहूर्त का टाइम क्या है? ठीक, इस समय इंडियन कल्चर में नवरात्रे चल रहे हैं, तो किसी भी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है कि आज का दिन सुबह की नहीं है, ये 9 दिन है, ये 9 दिन शुभ ही माने जाते हैं। ठीक, और इसमें कभी भी शादी का कोई भी दिन, कोई सा भी दिन लो आप, शादी का दिन सबसे शुभ माने जाते हैं इसमें, नवरात्र। भोजन करने के बाद सफर जारी है। प्रकृति की सुंदरता को हमने कैमरे में कैद किया। जब उत्तरकाशी से केदारनाथ के लिए यात्रा करते हैं तो बीच में रुद्रप्रयाग जिला मिलता है। सुबह सवेरे हम उत्तरकाशी से केदारनाथ के लिए रवाना हुए हैं और यहाँ पर उत्तरकाशी से 200 किलोमीटर की दूरी पर आपको रुद्रप्रयाग जिला मिलता है। रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ से अलकनंदा बहती हुई और केदारनाथ से मंदाकिनी नदी बहती हुई यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है। तड़के सुबह से हम इस तीसरे धाम के लिए निकले और अभी काफी रात हो चुकी है। यात्रियों के चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रहा था। विश्राम स्थल पर पहुंचने के बाद हमने आराम किया और अगली सुबह फिर से केदार धाम के लिए तैयार की गई। केदारनाथ के दर्शन के लिए स्वास्थ्य तथा कपड़ों के मामलों में काफी तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर महीने के दौरान वहां पर जरूरत से ज्यादा ठंड लगती है। कई घंटों के सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। अभी हम अपने तीसरे धाम की ओर निकल पड़े हैं और अभी हम सोनप्रयाग में हैं, जहां सुबह के 7:15 बजे हुए हैं और केदारनाथ का रास्ता जो है वो काफ़ी लंबा है, लगभग 7 घंटों का रास्ता है और यहां पर ठंड काफ़ी पड़ रही है। और अगर आप केदारनाथ की यात्रा के लिए निकलते हैं तो ज़रूर अपने साथ गर्म कपड़े लेकर आएँ। Thank you.
सोनप्रयाग से हम गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के लिए लगभग आधे घंटे का सफर तय करना पड़ता है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन बहुत छोटा है, इसे मत गवाइए। भारत की पावन भूमि केदारनाथ, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, बनारसी, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा कर अपना जीवन सफल कीजिए। अगली यात्रा बहुत जल्द। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया इन नंबरों पर कॉल करें 5949870359498703 या तो 5751838 5751838। गौरी कुंड में कई मंदिर नजर आते हैं। हमें गौरी मंदिर का दर्शन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर गर्म पानी में स्नान किया जाता था, पर अब स्नान करना मना है क्योंकि पानी के बहाव ने अपना रुख बदल दिया है। अब श्रद्धालुओं को बाहर स्नान करना पड़ता है और ये विडंबना देखिए, दाएं ओर ठंडे पानी का बहाव है और बाएं ओर गर्म पानी का। शुद्ध स्नान के बाद केदारनाथ का दर्शन शुरू होता है। पैदल द्वारा, घोड़े की सवारी से या फिर पिट्ठू द्वारा केदार धाम की यात्रा की जा सकती है। आने जाने के लिए लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं और वहां पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है। चूंकि हिमालय पर्वत पर केदारनाथ मंदिर स्थित है, इसलिए सांस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं।
अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो आप देख सकेंगे कि कई मेडिकल पोस्ट हैं और विश्राम के लिए जगह भी। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने पर आपको मंदिर के पीछे से हिमालय पर्वत भी दिखाई देती हैं। वहां पर बहुत ठंड होती है। अनुपम प्राकृतिक दृश्यों, घाटी के खतरनाक रास्तों को पार करते हुए यात्री जब हजारों साल पुराने शिव मंदिर को देखता है तो वो अपने आप को धन्य पाता है। दो धामों की यात्रा के बाद हम पहुंच गए हैं तीसरे धाम पर। जी हाँ, सुरंगपुर से 18 किलोमीटर की दूरी तय करके हम केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं, जो देवों के देव महादेव भगवान शिव को समर्पित है। और पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम पाए जाते हैं, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर केदारनाथ मंदिर में पाया जाता है। और सफर के दौरान रास्ता कुछ टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा रहा और 18 किलोमीटर की दूरी तय करके हम यहाँ पर पहुँच गए हैं केदारनाथ मंदिर, जहाँ हम आपका दर्शन करवाएंगे। मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और आपको बता दें कि मंदिर के द्वार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक बंद किया जाता है। हमारी टोली कतार में थी और मंदिर में प्रवेश करने के लिए इंतजार कर रही थी। केदारनाथ धाम के इतिहास के अनुसार केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये भी कहा जाता है कि इस स्थान का जल इतना पवित्र है कि उसकी कुछ बूंदों के स्पर्श से ही मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। केदारनाथ मेनली क्या है, ज्योतिर्लिंग है और मोक्ष धाम है। पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति भगवान केदारेश्वर का दर्शन पूजन करने के उपरांत हुई थी। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों को गोत्र हत्या, पितृ हत्या और ब्रह्म हत्या, तीन हत्या लगी थी। उस हत्या के निवारणार्थ वो यहाँ पे आए। भगवान ने उनको यहाँ पे वृषभ रूप में दर्शन दिए। बाद में जो भगवान का वृषभ स्वरूप था वो शिला रूप में परिवर्तित हो गया। पांडवों को आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, आप इस शिला का दर्शन पूजन कीजिए, इसी से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। पांडवों ने भगवान का दर्शन पूजन किया,
इस मंदिर का निर्माण किया और यहीं से सतोपंत स्वर्गारोहणी होते हुए स्वर्ग लोक को निकल गए। केदारनाथ मोक्षधाम है। केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी बैल की सजीव मूर्ति प्रतिष्ठित है। मंदिर के प्रवेश के बाद बाहरी प्रसाद में पार्वती, पांडव, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां हैं। मंदिर के अंदर मुख्य भाग में भगवान शिव की भैंसा की पीठ जैसे रूप में पाषाण पत्थर के रूप में शिवलिंग विद्यमान है। केदारनाथ मंदिर में हमने भोलेनाथ जी का दर्शन कर लिया है और मंदिर के अंदर आपको महाभारत के कई पात्र की मूर्तियां भी नजर आएंगी, जैसे कि सहदेव, युधिष्ठिर, माँ कुंती, इन सब की मूर्तियां आपको नजर आएंगी अंदर। और उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर जो है वो हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है और उत्तराखंड में ये केदारनाथ मंदिर जो है वो सबसे विशाल शिव मंदिर माना जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए अगर आपको केदारनाथ जी का दर्शन करना है तो आप ज़रूर आइए यहाँ पर। यहाँ का जो वातावरण है वो सचमुच अद्भुत है। आपका केदारनाथ में स्वागत है। आपका केदारनाथ में स्वागत है। केदार धाम क्षेत्र में पहुंचते ही असीम आनंद और आश्चर्यजनक खुशी का एहसास होता है। गौरी कुंड से 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद केदारनाथ धाम पहुंचते ही थका हुआ तीर्थ यात्री हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी हुई सफेद पहाड़ी पंक्तियों के मध्य केदारनाथ मंदिर को देख आश्चर्यचकित रह जाता है। मंदिर को दूर से देखने मात्र से ही उसकी संपूर्ण थकान पल भर में गायब हो जाती है। तीर्थयात्री को रोम रोम में शिव ही शिव महसूस होते हैं। इस मात्र से ही पापी व्यक्ति को अगले जन्म में शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने से उस व्यक्ति के 100 पीढ़ियों तक के पितर शिवलोक में चले जाते हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर लगभग 80 फीट ऊंचा है। ये मंदिर एक ही आकार के भूरे रंग के पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर के ऊपरे हिस्से पर लकड़ी की छतरी है। इस छतरी के ऊपरी भाग पर तांबे की परत लगी हुई है। छतरी के ऊपर तांबे का कलश है। केदारनाथ मंदिर से एक अन्य कथा जुड़ी हुई है। शायद आपको याद होगा कि केदारनाथ में 16 जून 2013 को एक भीषण बाढ़ आई थी। 2013 में जो डिजास्टर आया, इधर पीछे एक झील बना हुआ था और उस नाइट को यहाँ पे बहुत बारिश हुई। बारिश होने से वहाँ पे गांधी सरोवर नाम से एक लेक है, वो लेक टूट गया। उसके टूटने से क्या हुआ, वो पानी एक साथ बाहर आया। बाहर आने से जो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तबाही मची और हजारों लोग उसमें चले गए। पत्थर यहाँ पीछे कम से कम 2 किलोमीटर पीछे से आया, वो भीमशिला, वो जल के साथ बह के वहाँ पे ही। उससे क्या हुआ कि जल 2 भागों में बट गया। बटने से क्या है, मंदिर को नुकसान कम हुआ। तो ये संदेश जाता है कि आज भी मैं हूँ, यानी सत्य है, सत्य है, मैं हूँ। और ऐसा है कि इंसान को कहीं भी हो, देवस्थान हो, कहीं भी हो, अपने कर्मों को सही रखना चाहिए। हमारा तो यही बात है। आज उस घटना को बीते 7 साल हो चुके हैं और वो शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास स्थित हैं। लोग इस शिला की पूजा करने लगे हैं। इस शिला को वर्ष 2013 की आपदा के पश्चात भीम शिला के रूप में ही मान्यता मिल गई। इस पर एक कथा भी प्रचलित हो गई है कि स्वयं भगवान शिव के परम भक्त और धर्मराज युधिष्ठिर के भ्राता भीम ने अपने आराध्य के मंदिर को किसी प्रकार की हानि न होने देने के लिए ये शिला यहाँ स्थापित कर दी। श्री केदारनाथ धाम पहुँचे सभी श्रद्धालु इस दिव्य शिला का दर्शन करते हैं।
सांस्कृतिक तौर पर भारत एक बहुत पावन भूमि है। यदि उत्तर काशी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यात्रा के चार धाम हैं, तो दक्षिण में तिरुपति, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी प्रमुख आराधना स्थल है। इन सब के साथ साथ कीजिए चेन्नई, केरला, गोवा और मुंबई की यात्रा। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया कॉल करें 5949-8703, 5949-8703 या तो 5751-8381, 5751-8381।